हेलो दोस्त, रेलवे एक सर्विसमैन वैकेंसी एक बहुत बड़ी बात छिड़ गई है लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ सवाल है लाइफ का, कैंडिडेट का लाइफ का और यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले का, भावनाओं का। तो यहाँ लोगों का सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग बिना पढ़े लिखे सारी चीज़ें गलत बताते हैं, जिससे स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम आता है। ऐसा मैं नहीं, हमारे व्यूअर कह रहे हैं। तो दोस्त, सवाल उठता है तो जवाब देना ज़रूरी उठता है, और जवाब देना ही यूट्यूबर का काम होता है। ऐसा नहीं कि दागो और भागो, एक वीडियो बना दो और भाग जाइए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही होते हैं लोग, और मेरे साथ प्रॉब्लम यही आता है कि कमेंट करने वाले कैंडिडेट 90% से ज़्यादा दूसरे चैनल पे वीडियो देख के आते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं। तो सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए या चैनल का प्रोग्रेस नहीं समझिए, यही कारण है कि जो पीछे होता है सवाल उसी से पूछा जाता है, जो आगे होता है वो तो दाग के भाग जाता है। तो चलिए, यहाँ भी उसी बात को हम बात कर रहे हैं आपके साथ, रेलवे एक सर्विस मैन वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे सवाल उठी कहाँ से, इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन में, जिसमें बात हुआ है RRB पटना का भी रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें आपकी सेकंड पैनल लिस्ट आई, जिसमें 778 कैंडिडेट का नाम दिया गया मात्र, जबकि वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे तो इस RRB में अभी भी इसके बाद भी 1300 प्लस पोस्ट खाली रह रहा है। तो 1360 में यहाँ RRB पटना में 1138-35 कुछ ऐसे पोस्ट किसके लिए रिजर्व थे, जो मैं एग्जैक्ट अगर डाटा के टर्म में बात करूँ तो मेरे पास डाटा है, मैं एक बार निकाल लूँ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी में एक सर्विसमैन का 1198 पोस्ट था, जिसमें से मात्र 138 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, और इस क्वालिफाई करने के कारण से 1060 पोस्ट खाली रह गए हैं। जो मैंने बताया, लोगों ने इसी ऊपर सवाल पूछा कि आपको कुछ नहीं पता है, जितने भी ग्रुप डी की RRC की वैकेंसी चल रही है सब में एक सर्विसमैन की पोस्ट नॉर्मल कम्युनिटी, यानी नॉर्मल कम्युनिटी आप जानते ही हैं, OBC, SC, ST और UR से भरा जा रहा है। रेलवे उनकी पोस्ट यानी एक सर्विसमैन की पोस्ट नॉर्मल कैंडिडेट जो 10वीं या कोई भी हायर एजुकेशन करके गए होंगे, 12वीं गए होंगे, ग्रेजुएट हैं, उनको अलॉट कर दिया जा रहा है, जबकि वो एक सर्विसमैन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी आपको मिथ्या है कि पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे का जो रूल होता है उसके अनुसार से आपको पोस्ट कभी नहीं मिलेगा जो एक सर्विसमैन की वैकेंसी होती है। इस बार अगर मान लिए कि यहाँ पे कितनी पोस्ट था, देखा आपने 1198 था, 138 कैंडिडेट क्वालिफाई किए, जो 1160 पोस्ट है इसको RRC को एक सर्विसमैन को किसी न किसी रूप में देना पड़ेगा। ये कंडीशन होता है एक सर्विसमैन का, तब तक अगली वैकेंसी में अगर नहीं दे पाए इसमें तो नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी करेगा। तो यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, तो सारा RRB की बात कर लेते हैं, ऑफिशियल प्रूफ दिखाएंगे आपको, LP सेंट्रलाइजेशन नोटिस नंबर 1 में भी लागू होगा, 1/18 में भी, ग्रुप डी वाले कैंडिडेट जो 2/2018 में हैं, जिनकी पैनल आ रही है, ज्वाइनिंग की प्रोसेस आ रही है, वहाँ भी आपको ये लागू होगा। 1/19 जो 2019 की ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें भी लागू होगा, आपको NTPC में भी लागू होगा, JE सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 3/19 में भी लागू होगा, ऐसे ही जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे सभी में लागू होगा, क्योंकि एक सर्विसमैन तो एक सर्विसमैन भी होते हैं, और एक सर्विसमैन की रिजर्वेशन कहाँ होती है ध्यान दीजिएगा, ग्रुप सी एंड डी में। तो ग्रुप सी का LP है, NTPC है, JE है, ग्रुप डी यहाँ आप देख ही रहे हैं, दो वैकेंसी है। तो ग्रुप और सी और डी में दोनों में 10% रिजर्वेशन होता है, किसका, एक सर्विसमैन कैंडिडेट का, जो रेलवे के में आते हैं अपनी 15 साल कम से कम फोर्स में जॉब करने के बाद। अर्धसैनिक बल उसमें शामिल नहीं होता है, केवल थल सेना, वायुसेना और नेवी से रिलेटेड जो भी रिटायर है, जिनकी रिटायरमेंट एज 60 साल नहीं होके 40 साल से कम होती है। तो आप परफेक्ट समझ गए होंगे एक सर्विसमैन कौन है उनके लिए। तो सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि ये 10% सीट कैसे लागू है, कौन सा नियम है। तो इसके लिए हम बिना ऑफिशियल के, बिना कुछ नहीं होता, तो ऑफिशियल है वेबसाइट पे, वेबसाइट नीचे की तरफ आइए, हम वेबसाइट आपको दिखा रहे हैं, इस वेबसाइट को आप देख लीजिएगा पूरी अच्छी तरीके से।
dopt.government.in, इसमें फाइल की पीडीएफ भी है, डाटा डिटेल भी है, सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल है। कुछ कॉपी करने वाले कॉपी भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये पीडीएफ फाइल है जिसमें चैप्टर 23 किसके लिए है, एक सर्विसमैन का पूरी तरह से रूल दिया हुआ है। ये डीओपीटी जानते ही हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका रूल बनाने का काम करती है। तो इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको एक डाटा मिलेगा, उससे हम सारी चीज़ें को एनालिसिस कर पाएंगे। तो फाइल देख लीजिए, मेरे पास सामने आ चुका है, आप भी देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। और चैप्टर किसकी बात हो रही थी, 23 की, तो चैप्टर 23 ही है। अगर पीडीएफ के टर्म में देखें तो पीडीएफ भी देखिए, चैप्टर 23 पीडीएफ का फाइल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि ये रूल एक सर्विसमैन का कब लागू हुआ था, तो 1979 में। किसके किसके लिए लागू है, आर्मीड फोर्स ऑफ यूनियन वगैरह 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 जो भी है आर्मी से रिलेटेड, जो कम से कम 15 साल जॉब कर चुके हैं उनके लिए ये लागू होता है एक सर्विसमैन का। उसमें अगर मैं डिटेल देखेंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो कहेंगे लोग कि पोस्ट कौन कौन से में अप्लीकेबल होता है, तो एनी सेंट्रल गवर्नमेंट की और सिविल सर्विस का पोस्ट होता है उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी पे ये लागू होता है, जो एक कंडीशन होता है। उसके बारे में और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही बात की हम यहाँ करेंगे अभी जिक्र, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला है 10% ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट सब जगह में, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी भी है, अलग अलग डिटेल में अलग अलग कैटेगरी हो सकता है। इसको हाईलाइट केवल मैं कर दे रहा हूँ, कितना रिजर्वेशन होता है 10%। तो पहला सवाल का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने भी RRC में हैं एक सर्विसमैन को ग्रुप डी की पोस्ट दिया जा रहा है नॉर्मल कैंडिडेट को, तो इसका सवाल यहां से आपको मिल गया होगा कि नहीं दिया जा रहा है। कैसे नहीं दिया जा रहा है मैं दिखाता हूं। तो चलिए हम अपने चलते हैं एक डाटा पे ही, जिसकी दूसरी डाटा है हमारी रेलवे का। रेलवे का ये सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 2/2018 है, देख लीजिएगा। पूरी तरह से वैकेंसी टेबल देखेंगे और यहाँ एग्जांपल मैं उसी RRB की बात करूँगा जिसका आपने छेड़ा है, पटना की, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात है 5981। अभी तक इन्होंने रिजल्ट जो दिया है उस रिजल्ट में टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 3908 फर्स्ट पैनल में, और दूसरे पैनल में कितने पास हुए हैं 778। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 4686 करीब करीब, मैंने एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, इतने कैंडिडेट पास हुए हैं। बाकी लोगों का पोस्ट कहाँ गया, तो एक सर्विसमैन की पोस्ट देखिए, यहाँ भूतपूर्व सैनिक है, इनके लिए 1098 पोस्ट रिजर्व है। तो सब लोग कह रहे हैं ये पोस्ट मिल जाता है नॉर्मल कम्युनिटी को, अनारक्षित को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और OBC को। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि कैसे नहीं मिलता, मैं एग्जाम्पल दिला रहा हूँ, याद भी दिला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है 5981, इसका 10% आपको तो निकालने ही आता होगा, कितना होता है 598, मान ले 600 वैकेंसी कितनी होगी जी, 600 वैकेंसी हो जाएगी। यहाँ पे 5981 वैकेंसी है तो एक सर्विसमैन की 1198 पोस्ट कैसे दे दिए, आप बता पाएंगे? क्योंकि रिजर्वेशन में 10% है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर नहीं बढ़ाती है गवर्नमेंट तो ये 10% सीट से इतना 20% के आसपास, या कहें कि 20% कहाँ, 20% से और ज़्यादा ये वैकेंसी कैसे रिजर्व हो गई। तो इनका एक प्रोविज़न होता है कि अगर एक सर्विसमैन की वैकेंसी 2014 की ग्रुप डी में नहीं भरी तो ये अगले नेक्स्ट वैकेंसी में इसको भरा जाएगा। नहीं देखना है तो इसको भी रूल में देख लेते हैं, तो बिना रूल के हम नहीं चलते, आपको रूल के साथ ही बात कर रहे हैं। तो रूल में देखिएगा, अगर एक सर्विसमैन की पोस्ट खाली रह जाती है तो क्या होगी, देखिए, नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एक सर्विस इन पोस्ट एंड फिलेड अदरवाइज देन दी रिजल्ट इज ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन। पूरी तरह से रूल 3 पढ़ लीजिएगा, जिसमें कह रहा है सेल बी फिलेड इज अपॉइंटेड अथॉरिटी ऑफ एनी जनरल कैंडिडेट अनटिल अनलेस सेड अथॉरिटी। इसके लिए कितनी अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी है ये देख लीजिए, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई कंडीशन ऐसा हो जाता है कि एक सर्विस में नहीं मिल रहा है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि उस पोस्ट को भरना है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो बहुत और कंडीशन हो जाती है। उसके लिए भी और रूल है कि अगर सबसे पहले क्या करना है, अगर एक बार में प्रोवाइड में कैंडिडेट इंक्रीज रिजर्वेशन में कर रहा है तो क्या करना है, उसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इस रूल को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियो में हर चीज़ की बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। तो इसमें कह रहा है कि अगर वैसा कंडीशन बनता है तो उसका पोस्ट को अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब अगली कंडीशन में बात करते हैं कि एलपी वगैरह वाले पोस्ट के लिए, तो दूसरे वाले पोस्ट के लिए देखिएगा, कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था। पहला कमेंट ये आया था कि जिसमें ये पोस्ट नहीं दिया जाता है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि नहीं दिया जाता है। कुछ लोग कहे थे कि दिया जाता है। अब यहाँ कुछ लोगों का एक और कमेंट आया था, क्या कमेंट आया था कि एक सर्विस मैन की जो पोस्ट होती है, क्या होती है एक सर्विस की मैन पोस्ट, वो टोटल वैकेंसी के अलावा होती है, टोटल वैकेंसी से अलग होती है। ऐसा भी कमेंट आया है लोगों का, जैसे आप एक नोटिफिकेशन में देख लीजिए। जैसा कि लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट लोग का बात कर रहा हूँ, जिसमें बोल रहे हैं पटना की वैकेंसी टोटल कितनी है, 5981, उसमें एक सर्विस मैन और ये वाला वैकेंसी अलग से है, यानी 5900, यानी 6000 वैकेंसी और 12 24 100, 6000 और 2400 अलग से जोड़ना है आपको। इतनी वैकेंसी पटना में है, यानी 8400 है। तो रिजल्ट आ गया है, आपको पता चल गया होगा कि ये वैकेंसी इंक्लूड है, और नहीं इंक्लूड पता चला तो मैं उसको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है कि उसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए कह सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे रूल में दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिक का है 10.4 10.5, रोजगार समाचार चिकित्सा मानक, इसमें एक जगह आपको दिया हुआ है, क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि अगर भूतपूर्व और इनकी सैनिक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के उम्मीदवार को, देखिए 9.2 पढ़िएगा, यह है आपका सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/2018, और सेम मिल जाएगा 2/2018 में, सेम मिल जाएगा 3/2018 में, जिसमें 9.2 पैराग्राफ को पढ़िएगा ध्यान से, जिसमें लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जहाँ कहीं भी रिक्त तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है वह अलग नहीं है, तथा रिक्तियों की जो कुल संख्या में शामिल है, यानी 8900 कितनी वैकेंसी है, 81 वैकेंसी है, इसमें ही एक सर्विसमैन वाले 1198 और PWD जितने भी कैंडिडेट हैं इसी में इंक्लूडेड है, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक सर्विसमैन भी UR होते हैं, OBC होते हैं, SC होते हैं, ST होते हैं, तो समझ जाइएगा ये अलग से वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ सवाल उठ गया कि सारा चीज़ आपने देख लिया, हमने 3-4 अलग अलग बातें किया है, क्या बात किया है कि अब क्या होगा, ग्रुप डी की तो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रही है, LP की अभी रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, NTPC की एग्ज़ाम होना बाकी है, JE का CBT 1 हो चुका है, तो क्या सारा वैकेंसी में एक सर्विसमैन की वैकेंसी इंक्लूड टोटल में है? तो बिल्कुल, सबसे पहली कंडीशन रखिएगा कि जितने भी पोस्ट रिजर्व है किसी भी वैकेंसी हो रेलवे की, वो एक सर्विसमैन की वैकेंसी इंक्लूड करके दिया हुआ है। दूसरी सवाल आपको मिल गया होगा कि अगर नॉर्मल कम्युनिटी इस एक सर्विसमैन की वैकेंसी तभी ले सकती है जब रेयर से रेयर कंडीशन हो जाएगा, रेयर से रेयर कंडीशन हो जाएगा, और इसकी अप्रूवल गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट नहीं देगी क्योंकि उन्हें पता है कि एक सर्विसमैन की पोस्ट अगर हम दिए नॉर्मल कम्युनिटी को, तो एक सर्विस में जो 15-20 साल नौकरी करके रिटायर हुए हैं, मान लीजिए कि वो जॉब में चले जाते हैं 18 साल में, एक मान लीजिए आर्मी पर्सन है जॉब में चले जाते हैं 18 साल में, 15 साल के बाद नौकरी करके आते हैं, तो इनकी एज क्या होती है, 18 5 8 8 5 13 32, 32 साल में कोई व्यक्ति अगर रिटायर कर जा रहा है तो ये आपके लिए नॉर्मल एज 33 साल है, और ये 32 साल में 15 साल गवर्नमेंट की जॉब करके आए हैं, इसलिए एक सर्विसमैन को बेनिफिट दिया जाता है कि जो यंग इसमें पोटेंशियल है और पोटेंशियल के साथ इनमें जो ज्ञान है एक्सपीरियंस है उसको गवर्नमेंट यूटिलाइज करे। समझ गए होंगे कंसेप्ट एक सर्विसमैन का। तो हमें लगता है कि हमें
एक सर्विसमैन वाला जॉब मिल जाता तो मुझे एक नौकरी मिल जाती। लेकिन ध्यान दीजिए, जो कैंडिडेट 15 साल से लेकर 30 साल तक, 28 साल तक, 25 साल तक एक्सपीरियंस रख रखा है और अभी उसमें पोटेंशियल है, वो चाहता है कि मैं जॉब करना चाहता, तो उनके लिए ये बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जो 60 साल में रिटायर करते हैं, तो 60 साल में जो रिटायर करते हैं उनके लिए एक सर्विसमैन लागू नहीं होता, वो पैरा मिलिट्री फोर्सेज होते हैं और उस पैरा मिलिट्री फोर्सेज को एक सर्विस में काउंट ही नहीं किया जाता। तो कंफ्यूजन दूर कीजिए, जो रिटायर का एज 40-42 के आसपास होता है उन्हीं कैंडिडेट को एक सर्विसमैन में, यानी आर्मी, नेवी और इससे रिलेटेड वायुसेना, एयरफोर्स रिलेटेड जो जॉब होते हैं उन्हीं को एक सर्विसमैन में कंसीडर किया जाता है। तो समझ गए होंगे सारा टॉपिक, एएलपी ग्रुप डी एनटीपीसी जेई एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में यही रूल फॉलो होगा। थैंक यू, धन्यवाद।